अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे मसले के बारे में जो अक्सर किसान भाइयों को पेश आता है। करेले में ये कीड़ा कद्दू तोरी वगैरह पेटा कद्दू में सब में पेश आता है, जिसको हम फ्रूट फ्लाई फ्लाई भी और मक्की कहते हैं। ये तीन नाम एक ही कीड़े का है जो अक्सर किसान भाई बहुत शिकायत करते हैं इससे। तो हम आपको बताएंगे कि इससे कैसा छुटकारा पाया जा सकता है और इस पर कौन कौन सी स्प्रे या कोई देसी दवा इसको इस्तेमाल करनी चाहिए कि ये मसला हल हो और किसान भाइयों को कोई मुश्किल ना हो। तो आइए देखते हैं दोस्तों, फ्रूट फ्लाई दिखती कैसी है और इसके क्या क्या नुकसान हैं। ये फ्रूट फ्लाई जो फ्रूट और फ्रूट के पौधे को नुकसान पहुंचाता है, ये फ्रूट पर बैठकर फ्रूट को रस लेता है, इसमें फिर कीड़े पैदा हो जाते हैं और फ्रूट को ख़राब कर देता है। फ्रूट फ्लाई के ये नुकसान होते हैं, देखिए अगर बड़ा फल हो पक्का हुआ तो इसमें भी नुकसान करते हैं और छोटे फलों में भी जो फूल से निकले हुए हैं उसमें भी नुकसान करते हैं और अब पौधे को ही ज़्यादा नुकसान देते हैं। तने में काट कर उसमें कीड़ा बन जाता है और फिर गल कर ये मर जाता है पौधा। ये देखिए करेले में इस तरह ये सुराख करते हैं और इसमें फिर कीड़े बन जाते हैं। ये देखिए जी, ये भी फ्रूट फ्लाई का अटैक है। दोस्तों दवाई लेते वक्त आप लेबल ज़रूर देखिएगा कि लेबल पर ट्राइक्लोरोफान ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में हो और हर हफ्ते बाद स्प्रे कीजिएगा ताकि आपकी फसल मक्की के नुकसान से बच सके।